हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने अगर डाटाबेस का टॉपिक पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा देर आर प्रोसेसेस दैट कैन रन कंकरेंटली। आप एक टाइम में एक सीपीयू में बहुत सारे प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं। सिमिलरली एक डाटाबेस के अंदर हम एक साथ बहुत सारी अगर ट्रांजेक्शन्स को रन करना चाहते हैं, दैट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन। सो इट इम्प्लाइज इंटरलिविंग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन। द बेनिफिट्स ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन आर प्रिटी मच सिमिलर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इट हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम। अगर एक ट्रांजेक्शन को किसी रिसोर्स की ज़रूरत है तो उस ट्रांजेक्शन को इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई दूसरी ट्रांजेक्शन पहले ख़त्म हो और उसके बाद मैं उस रिसोर्स को एक्सेस करूँ। कंकरेंटली दोनों ट्रांजेक्शन्स चल सकती हैं और रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं एज़ पर देयर नीड। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम। ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूव्ड थ्रूपुट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जैसे अब अगर एक ट्रांजेक्शन ने एक डिस्क को रीड करने की रिसोर्स को होल्ड कर लिया और वो जब तक ख़त्म नहीं होगी उस रिसोर्स को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, देन दैट रिसोर्स इज़ अंडर यूटिलाइज्ड। वेयर एज इन केस ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन, वंस द वर्क ऑफ दैट डिस्क इज कम्प्लीटेड विद ट्रांजेक्शन T1, दैट रिसोर्स कैन ऑल्सो बी यूज बाय अनदर ट्रांजेक्शन T2। So resource utilization is pretty much improved in the case of concurrent execution. But with every good there comes some disadvantages also, and in concurrent execution there are some serious disadvantages or problems of concurrent execution which we will see in next slide. उससे पहले हम देखते हैं एक डेफिनेशन है कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ T1 के बाद T2 होगा, फिर T3, ये एक ट्रांजेक्शन है, तो ये जो सिक्वेंसिंग है या ऑर्डरिंग है, दिस सीक्वेंस और ऑर्डरिंग इज कॉल्ड एज शेड्यूल। फॉर द टाइमिंग आप शेड्यूल को सिर्फ इतना ही सीखिए। इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल टॉक मोर इन डिटेल अबाउट शेड्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल, हाउ यू कैन चेक दैट वेदर ए शेड्यूल इज कंप्लीट इक्विवेलेंट और व्यू इक्विवेलेंट। करंटली यू जस्ट नीड टू नो दैट शेड्यूल इज द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड। Now let's get started. So let's get start with the problems with concurrent execution. There are many problems that can occur with the concurrent execution of the transaction. First problem is lost update problem, or it is also called as write conflict. सबसे पहले इसकी definition देखते हैं कि definition क्या कहती है। It says it occurs when two transactions that accesses the same database items have their operations interleaved in such a way that makes the value of the database item incorrect. तो इस definition का क्या मतलब है? अगर दो transactions same database items को access कर रही हैं और उनके operations कुछ इस तरह से sequenced हैं कि वो डाटाबेस आइटम की वैल्यू को इनकरेक्ट कर दें, दैट मे लीड टू लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज दो ट्रांजेक्शन्स हैं T1 एंड T2। T1 ट्रांजेक्शन ने ए आइटम की वैल्यू रीड करी, ए आइटम में से कुछ पैसे डिडक्ट करे। इसके राइट करने से पहले ही अगर T2 ने भी A की वैल्यू को रीड कर लिया और A की वैल्यू में सपोज इसने 100 रुपीज़ ऐड कर दिए और इसके बाद
यहाँ पे एक बार ए राइट हो गया और एक बार यहाँ पे ए राइट हो गया। अब देखिए हुआ क्या कि जो ए की वैल्यू थी वो यहाँ पे डिटेक्ट हुई। सपोज ए की वैल्यू थी 1000, इसने 1000 रीड किया, माइनस करके 950 कर दिया। बट ए को राइट करने से पहले ही टी टू ने भी ए को रीड कर लिया, तो यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू ए की? अभी भी 1000, और इसने ए को अपेंड कर दिया। अब हुआ क्या, जो ट्रांजेक्शन टी वन ने राइट किया तो डाटाबेस के अंदर अब चला गया 950, और उस 950 को ओवरराइट कर दिया इसने 1100 से। बट देखिए एक्चुअली आपका आंसर आना कितना चाहिए था, अगर ये ऐसे ना होता, ए में से अगर 50 रुपीज़ माइनस हुए तो उसके पास कितने बचने चाहिए थे? 950, और उसके बाद अगर 950 में 100 अपेंड भी होते यहाँ पे तो उसके पास बचने चाहिए थे 1050। बट उसके पास अब कितने आ रहे हैं फाइनल में? 1100। तो इस तरह से अगर आपके ऑपरेशंस कुछ इस तरह से सीक्वेंस्ड हैं कि अपडेट एक ट्रांजेक्शन का लॉस्ट हो जाता है, देन इट मे लीड टू लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। क्योंकि हुआ क्या, इधर जो अपडेट हुआ वो लॉस्ट हो गया, अपडेट इज लॉस्ट। ये 50 रुपये कहाँ गए किसी को नहीं पता, क्योंकि जो फाइनल राइट होता है वही डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये 50 रुपये कहाँ डिलीट हो गए किसी को नहीं पता, क्लियर? सो आपका डाटाबेस की जो सीक्वेंस है ट्रांजेक्शन की वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो अपडेट है वो लॉस्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट कैन अकर ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज टेम्पररी अपडेट, और इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी रीड प्रॉब्लम। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट अकर्स वेन वन ट्रांजेक्शन अपडेट्स अ डाटाबेस आइटम एंड देन द ट्रांजेक्शन फेल्स बट इट्स अपडेट इज रेड बाय सम अनदर ट्रांजेक्शन। इसका भी एक एग्जाम्पल पहले हम बना लेते हैं, उससे समझाता हूँ मैं डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। सपोज दो ट्रांजेक्शन है टी वन एंड टी टू। टी वन ने ए की वैल्यू रीड करी, ए के अंदर कुछ ऐड किया, अब ए की वैल्यू इसने राइट कर दी, और टी टू ने इसके बाद दोबारा ए की वैल्यू रीड करी, ए की वैल्यू में दोबारा से ऐड किया और ए की वैल्यू राइट कर दी। टी वन ने भी अभी कमिट नहीं किया कहीं पे भी, देखिए टी वन ने भी यहाँ पे कुछ बी की वैल्यू रीड करी, बट सडनली क्या हुआ, ड्यू टू पावर फेलियर ये आपका ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, सपोज ड्यू टू पावर फेलियर। अब जैसे ही ट्रांजेक्शन अगर आपकी नहीं होती तो ड्यू टू एटोमिसिटी प्रॉपर्टी इट सेज ऑल और नन, या तो सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो या फिर कोई सी भी ना हो। तो जब बी के टाइम पे ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो ये पूरा का पूरा रोल बैक कर जाएगा इनिशियल स्टेट पे। टी वन ट्रांजेक्शन रोल बैक कर गई, बट टी वन ने जो ए की वैल्यू अपडेट की थी वो अपडेटेड वैल्यू इसने रीड कर ली। ठीक है, और सपोज इसने यहाँ पे कमिट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अगर ए की वैल्यू थी 100 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 100, इधर हो गई 120, यहाँ पे 120 डाटाबेस के अंदर राइट हो गई। अब जब ये रीड करेगा तो ए की वैल्यू कितनी रीड करेगा, ये 120। ठीक है, इसने ए के अंदर दोबारा ऐड कर दिया तो हो गई 130, और ये 130 वैल्यू कमिट हो गई। तो जो फाइनल वैल्यू ए की डाटाबेस आइटम में गई वो गई 130। बट अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन रोल बैक कर गई, तो ए की वैल्यू सिर्फ कितनी रहनी चाहिए थी 100, और यहाँ पे जब ऐड हुआ तो कितना होना चाहिए था वो 110। सो ए को
20 का अननेसेसरी इंक्रीज मिल गया, विच इज नॉट करेक्ट. सो दिस इज नोन एज टेम्पररी अपडेट और डर्टी रीड प्रॉब्लम. इट इज बेसिकली अ राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट इन विच अ डाटाबेस आइटम रिटन बाय वन ट्रांजेक्शन गेट्स रीड बाय अनदर ट्रांजेक्शन एंड इफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन फेल्स देन इट कैन लीड अप टू टेम्पररी अपडेट और डर्टी रीड प्रॉब्लम. थर्ड काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज अनरिपीटेबल रीड और राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट. इट्स डेफिनेशन सेज इफ ए ट्रांजेक्शन टी आई रीड्स एन आइटम वैल्यू ट्वाइस, एक ही ट्रांजेक्शन में अगर मैं किसी आइटम की वैल्यू दो बार रीड करता हूँ एंड द आइटम इज चेंज्ड बाय अनदर ट्रांजेक्शन टी जे इन बिटवीन द टू रीड ऑपरेशन देन टी आई रिसीव्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर इट्स टू रीड ऑपरेशन ऑफ द सेम आइटम एंड कैन लीड टू कन्फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज ट्रांजेक्शन टी वन एंड ट्रांजेक्शन टी टू, ट्रांजेक्शन ने ए की वैल्यू रीड करी, सपोज ए की वैल्यू थी 1000, तो यहाँ पे यूज़र को पता लगा उसके अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं. इतने में ही किसी ने ए को अपडेट कर दिया और ए की वैल्यू राइट कर दी. उसके एक मिनट के बाद ही सपोज इसने दोबारा से वैल्यू रीड करी कंफर्म करने के लिए और यहाँ पे अब आ गया 3000. भाई ये तो खुश हो जाएगा कि उसके अकाउंट में 2000 रुपये पता नहीं कहाँ से आ गए. बट अगर ऐसा उल्टा होता कि यहाँ पे इसकी जगह होता ए इक्वल्स टू ए माइनस 2000, तो यहाँ पे उसको शो होता कि माइनस 1000 बैलेंस है. दैट कैन लीड टू कन्फ्यूजन कि एक मिनट में कहाँ चले गए मेरे सारे पैसे या एक मिनट में मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आ गए. क्लियर है? तो अगर एक ही यूज़र दो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है एक टाइम पे, रीड कर रहा है एक ही उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन में, और उसके बीच में अगर कोई दूसरी ट्रांजेक्शन भी उसी आइटम पे होती है और उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो जो पहली ट्रांजेक्शन है उसको सेम आइटम की वैल्यू दो अलग अलग दिखेंगी एक ही ट्रांजेक्शन में, विच इज़ नॉट करेक्ट. लास्ट प्रॉब्लम ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन इन योर सिलेबस इज इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम. इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम सेज इफ वन ट्रांजेक्शन इज कैलकुलेटिंग एन एग्रीगेट समरी फंक्शन ऑन ए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वाइल अदर ट्रांजेक्शन इज अपडेटिंग सम ऑफ दिस रिकॉर्ड्स, देन द एग्रीगेट फंक्शन में कैलकुलेट सम वैल्यूज बिफोर दे आर अपडेटेड एंड अदर आफ्टर दे आर अपडेटेड विच रिजल्ट इन इनकरेक्ट समरी. तो जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल एक लेते हैं तो वो एग्जाम्पल क्या होगा. सी इफ आई हैव टू ट्रांजेक्शन लाइक दिस, ट्रांजेक्शन टू में हम सम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं और डाटा आइटम्स ए और वाई का सम निकाल रहे हैं. अब डेफिनेशन क्या कहती है इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम की, कि अगर हम एक ट्रांजेक्शन में कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं ऑन सम डाटा आइटम्स एंड दैट डाटा आइटम आर अपडेटेड बाय अनदर ट्रांजेक्शन, तो जो आपकी समरी है वो गलत आ सकती है. जैसे इस केस में क्या था, सम इनिशियली जीरो है, ए की वैल्यू रीड करी, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए, ए इज सपोज 100 एंड वाई इज सपोज 200, तो सम यहाँ पे क्या हो गया 100, y की वैल्यू रीड करी 200 एंड सम यहाँ पे हो गया 300. बट एट द सेम टाइम एक अनदर ट्रांजेक्शन ने y की वैल्यू को रीड करा और y की वैल्यू में 100 ऐड कर दिए, तो y अब हो गया मेरे पास 300. तो जो सम फंक्शन है उसको करेक्ट समरी देने के लिए लेटेस्ट वैल्यू ऑफ y चाहिए, बट सिंस द वैल्यू इज रीड बिफोर द अपडेट इज मेड द समरी कैन बी इनकरेक्ट. सो दैट इज एन इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम. दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन.
देर आर सम मैकेनिजम्स दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग दिस प्रॉब्लम्स फॉर अकरिंग. वी विल सी दोज मैकेनिजम्स और प्रोसीजर्स प्रोसेस इन द कमिंग लेक्चर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन डाटाबेस एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स.